नमस्कार दर्शकों, R9 TV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आपने अपने जीवन में कई प्रकार के अलग अलग प्रवचन सुने होंगे जो हमें अलग अलग एक मैसेज देता है, जो हमें बताता है कि हमारे जीवन में क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ बुरा है। पर यदि बात करूं रविदास आचार्य की, तो आज हमारे साथ रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी मौजूद है, जो पहले एक ऐसे आचार्य है जिन्होंने रविदास गुरु जी के बारे में जो चीजें हमें बताई है वो शायद आपने किसी से भी नहीं सुना होगा, क्योंकि देश विदेश के इकलौते रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ R9 टीवी में मौजूद है। तो सबसे पहले सुरेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ R9 टीवी में। सबसे पहले मैं R9 को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने रविदास आचार्य की हैसियत से आज इंटरव्यू के लिए मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मेरी ओर से इस नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आप कई मंच में जाते हैं, कई सालों से आप उनकी जो संदेश है, जो उनके प्रवचन है, वो हमारे जनता तक पहुंचाते हैं और लोग उसके उसी के हिसाब से अपना मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। पर उनका कनेक्शन ह्यूमन से बात करें कि समाज में लोग बहुत ज्यादा जो परेशान है, हैरान है, अपनी छोटी बड़ी परेशानियों से जो जूझ रहे हैं, आपके प्रवचन से या यूं कहे रविदास जी के प्रवचन से उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रभाव पड़ने की बात मैं कहूँ, जिस समय श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ उस समय हमारे साथ, हमारे समाज के साथ बहुत बड़ी त्रासदी थी। उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहुत चरम पर थी। अत्याचार, अनाचार, छुआछूत, भेदभाव, यहाँ तक कि ना तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना स्कूल जा सकते थे, ना कहीं चिकित्सालय में अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज भी नहीं होता था, केवल झाड़ फूंक से इलाज किया जा सकता था। उस समय श्री गुरु रविदास जी ने जन्म लिया और मानवता का संदेश देने का काम किया। उन्होंने कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। उन्होंने परम पिता परमेश्वर को अपना ईश्वर मानते हुए एक ऐसी शख्सियत के रूप में संपूर्ण जीवन चर्म शोधन का काम करते करते, चमड़े का काम करते थे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति करने का काम किया। ये सबसे बड़ा उद्देश्य उनके जीवन का रहा। वही उन्होंने मानवता का संदेश पूरे संसार को दिया। और मैं कह सकता हूँ, दुनिया में या देश के अंदर अगर कोई संतों की श्रेणी में महासंत शिरोमणि की उपाधि है तो श्री गुरु रविदास जी के पास थी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनके प्रवचन सुनते हैं, आपके द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी देखा गया है। तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो रविदास आचार्य जी की यदि प्रवचन सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके संदेश को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएंगे, तो उनके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये समाज जिस व्यक्ति जो जहाँ जन्म लेता है तो उसी के संस्कार उसके ऊपर पड़ते हैं। हम देखते थे कि टेलीविजन के ऊपर राम कथाएं आती हैं, भागवत कथाएं आती हैं, शिव पुराण आती हैं, दुर्गा चालीसा आती हैं, साईं संध्या आती हैं, तरह तरह की हनुमान जी की कथाएं आती हैं, बहुत सारी कथाएं आती थी। हमारे मन में विचार हुआ, गुरु का आदेश हुआ कि ऐसा क्यों नहीं, जो दुनिया को एक महान संत मिला जिसने मन चंगा तो कटौती के अंदर गंगा, गंगा पुत्र माता का जिसके साथ नाता हो, उसके बारे में कोई कथा क्यों नहीं आती। तो संयोग से 2010 में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्राह्मण समाज ने मेरी पहली कथा का आयोजन हरिद्वार में प्रारंभ किया और तब से लेकर हम उनकी कथाओं के द्वारा दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, वैसे भी नवरात्र चल रहा है और यदि बात करें दशहरे की तो दशहरा भी बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसे में आप हमारे जनता को, आप हमारे पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राम जी के पथ पे लोग कैसे चले? देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम कहते हैं, उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया और उसको जीवन भर पर्यंत निभा कर दिखा। इसी प्रकार से अगर हम राम में ढूंढे तो भगवान हमारे रविदास जी का वास दिखाई देता है और रविदास में ढूंढे तो भगवान राम का वास दिखाई देता है, क्योंकि वो राम के पुजारी थे, राम को पूजते थे और किस राज की कल्पना करते थे। उस समय आप देखें, आप पुराने इतिहास में चले जाएंगे तो भगवान वाल्मीकि की बात करेंगे, देश का पहला संविधान भगवान वाल्मीकि ने दिया। महाभारत के खंड काव्य की बात करेंगे तो महर्षि वेद व्यास जी ने दूसरा संविधान देश को दिया, दोनों दलित समाज के थे। और संत रविदास जी की बात करेंगे तो समता मूलक समाज की बात करते थे। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी वाणी उनके मुख से निकलती थी कि समाज को समान रूप से देखना चाहते थे, राम राज्य की कल्पना करना चाहते थे।
कर्मण्येव अधिकार वस्ते महाफलेषु कदाचन। गीता का सार अगर कहीं रविदास जी में देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से देख लिए, उनके जीवन को समझने का काम करें, क्योंकि उन्होंने चरम शोधन का काम करते करते परम पिता परमेश्वर की प्राप्त किया है, ऐसा राज वो चाहते थे। इसलिए मैं कहूँ कि रामनवमी के शुभ अवसर पर जो जो राम के पुजारी हैं वो रविदास जी के पुजारी स्वतः ही माने जाते हैं। जी बिल्कुल, और उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे हम बुराई पे अच्छाई की जीत कर सकते हैं, और जिस वजह से दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। खैर, आपके आने वाले कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, पर आप नवंबर में महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जो ये महायज्ञ का आयोजन किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज के लोग उसमें आ रहे हैं, विदेश विदेश से लोगों के आने के संदेश मिल रहे हैं। ये महायज्ञ ऐसा है कि जहाँ मेरे श्री गुरु रविदास जी का जन्म है, काशी की मिट्टी और काशी का जल, बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री, वहाँ के जल को लाकर और वहाँ की मिट्टी को लाकर हम नौ कुंडों का स्थापना करेंगे, और उस घाट के ऊपर करेंगे जिस घाट के ऊपर समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी। उस घाट के ऊपर हमने इस कथा का आयोजन किया, जहाँ सुंदर सा नमामि गंगे घाट के लेकर हमारी भारत सरकार ने एक सुंदर सा घाट बनाने का काम किया। उस घाट के ऊपर इस महायज्ञ का पहला बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिस घाट के ऊपर संत रविदास जी को गंगा मैया ने स्वयं प्रस्तुत होकर कंगन दिया था कि ये मेरे गुरु रविदास जी को दे देना दमड़ी के बदले, तो उस घाट के ऊपर हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हो, वो केवल हरि के पुजारी के रूप में रहे, राम के पुजारी के रूप में रहे, राम के प्रति उनकी आराधना साधना सब कुछ रही। और यहाँ तक कहते हैं लोग कि अगर शिव के रूप में भी देखा जाए तो भगवान रविदास जी का एक बहुत बड़ा अंश उनका रहा, अन्यथा वो काशी में जन्म क्यों लेते। काशी की नगरी माँ पार्वती की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, और वही नगरी मेरे संत रविदास जी की नगरी है। इसी प्रकार से सूर्यवंश में जन्म लिया, सूर्यवंश में राजा रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, सूर्यवंश में संत रविदास जी ने जन्म लिया था। इसलिए मैं कहूँगा नवरात्रों में श्री गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया R9 TV से जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। तो सुना आपने कि कैसे रविदास आचार्य सुरेश राठौर ने लगातार आज से नहीं बल्कि कई सालों से उनकी जो भी कथाएं हैं, प्रवचन है रविदास गुरु जी के, वो लोगों को सुनाते हैं और लोगों के जीवन में कल्याण करते हैं। क्योंकि दर्शकों, आज के समाज में, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है, पर कहीं ना कहीं उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और सच्ची स्पीच की भी जरूरत पड़ती है। ये कुछ ऐसे प्रवचन है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो हम भी यही कामना करते हैं कि आप रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के बताए गए पथों पर चले, उनके प्रवचन को सुने और अपने जीवन से समस्त बाधाएं, समस्त कष्टों को दूर करें। कैमरा पर्सन रागीव के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।